यूपी विधानसभा को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में सपा गठबंधन के बाद अपना दल के कृष्णा पटेल की अगुवाई में पार्टी ने चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा को लेकर सभी राजनीतिक दल इस समय पूरी तरह से सक्रिय हो चला है। सपा से गठबंधन के बाद अपना दल के कृष्ण पटेल की अगुवाई वाली पार्टी ने चुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू कर दी है। बुधवार को अपना दल कमीरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता कृष्ण पटेल जी ग्राम सभा नाथूपुर में लोगों से जनसंपर्क करते हुए कहे कि अपना दल सपा की गठबंधन की सरकार को वोट देकर विजयी बनाए। कृष्णा पटेल ने कहा कि जनता के बीच हमारी सबसे अहम मुद्दे वाली बात जातिवाद जनगणना रहेगी, जिससे अति पिछड़े लोगों का विकास हो सके। जनता के बीच में जो उतरने में सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा वो जातिवाद जनगणना रहेगी, और हमें अपने संविधान को बचाना। आज के काल में हमारा संविधान खतरे में है। पूर्व में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो लोग हमारे संविधान को मिटाना चाह रहे हैं और मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मिटाना चाह रहे हैं जिस तरह से सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, हवाई अड्डे बेच दिए हैं, उसी तरीके से हमारे संविधान को भी ये लोग मिटाना चाहते हैं। हम लोग उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैडम, रोनिया विधानसभा में देखा जाए तो गठबंधन से बीजेपी भी उतार रही है, और शायद उसमें हो सकता है कि आप ही के परिवार की आपकी बेटी को उनकी सीट मिला जाए, तो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल किया जाएगा आपके जरिए? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, और हमारे परिवार से बेटी आ रही है तो उसके लिए तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपने रजवाड़े घर की बात कभी नहीं कही होगी, जो जहाँ से सोनिया गांधी, मेनका गांधी हमेशा लड़ती रहती है, तब कभी नहीं कहा होगा, लेकिन हमारे ही परिवार को उछालने की आप लोग कोशिश करते रहते हैं। नहीं, ये बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ से आपको गठबंधन में मिल रहा है वहाँ से वो भी आप ही के ही परिवार को उतारना चाह रही है और दोनों लोग को लड़ा रही है, तो इसमें क्या क्या? ये बीजेपी की रणनीति है, तो ये तो शुरू से बीजेपी की रणनीति चली आ रही है, जहाँ से हमारा परिवार खड़ा था वहाँ हम लोग को कमजोर करने के लिए कोई ना कोई किसी को मुद्दा बनाकर उतारते ही है।